कोर्ट से घर लौट रहे तीन लोगों पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिन्हें पुलिस ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सुपौल में गुरुवार को बदमाशों ने एक ही परिवार के तीन लोगों को गोली मार दी। तीनों घायल हालात में 10 मिनट तक सड़क किनारे बैठे रहे। इस दौरान भीड़ वीडियो बनाती थी, तब तक किसी ने उनकी मदद नहीं की। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। आनंद फानंद में तीनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पिपरा थाने की पुलिस ने बताया कि भूमि विवाद में गोलीबारी की घटना हुई है। घायलों की पहचान जदिया थाना क्षेत्र के खुट गांव निवासी महेंद्र शाह, उनका छोटा भाई जोगेंद्र शाह और बेटा ललन शाह के रूप में हुई। तीनों कोर्ट से वापस लौट रहे थे, इस दौरान बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। घायलों का पास के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोर्ट से घर लौटने के दौरान हुई घटना में घायल महेंद्र सिंह साहब उन्होंने बताया कि गांव के नारायण शाह से जमीन विवाद को लेकर विवाद चल रहा है। इसको लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है। इस केस की आज तारीख थी, जिसमें हम छोटा भाई और बेटा तीनों घर से बाइक पर सवार होकर पहुंचे। कोर्ट में हाजिर होकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया थुमा के बीच नारायण शाह 10 लोगों के साथ पहुंचे और गोलीबारी शुरू। सर कुछ भी नहीं सर, वैसे सर उनको लोग मार रहा, पहले भी उनको सर गोली मारा था, 20 आदमी मिल गए सर। क्यों विवाद कुछ होगा ना? विवाद सर कुछ भी नहीं, उससे सर यही काम करता है सर। आज क्या हुआ? आज सर मेरा भाई जो सुपौल से सर तारीख पे आया था, मेरा ललन कुमार साह था, महेंद्र साह था, जोगिंदर साह था, तारीख करके सर घर जा रहा था, वहाँ कटैया में सर गोली मार दिया सर। कौन कौन लोग था गोली मारने वाला? गोली मारे सर बहुत आदमी सर, हम सर बहुत आदमी। आज क्या आदमी था गोली मारने? आज क्या आदमी सर था वहाँ सर? पहचान हुई है कि? हाँ सर पहचान, मेरा भाई क्या था होश में है सर। क्या बोला, कौन कौन था? क्या बोला है? कौन वही लोग है सर सब भी? अरे नाम क्या है, कौन कौन? एसएसपी सुमन है सर, रंजन शाह है, मनोज शाह है, लरन शाह है, इससे बहुत लोग है सर। उसे जमीन विवाद भी चल रहा है? नहीं सर, पहले जमीन का विवाद की बात जो भी हुआ पंचायत पंचायत होके क्लियर हो गया था, उससे सर नहीं था विवाद की बात नहीं है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश कुमार शाह हुआ सर, पहले भी मेरे पर गोली चलाया छिछोरो सर भगवती स्थान के पास, कोई विवाद नहीं कोई कुछ। एसपी साहब के पास भी गए थे हम लोग सर, गुहार का निहार लगा रहे थे, न्याय का सर वो भी नहीं मिला हमको, नहीं अभी तक जो है पैसा लेकर के डीएसपी साहब छांट छूट दिया था, अभी तक जो है उन लोगों को छांट दिया सर, कोई सुनवाई नहीं होता है, थाना प्रभारी से लेके एसपी तक कोई सुनवाई नहीं है सर हम लोग का सर। बार बार गोली मार लगे उठा 50 कालर को घिस घिस लगे चिन्हे छे जे का गोली मार लगे आप सबटा रहे सबटा रहे सर गया तो सर बहुत तू सब कथा से जात रहा तू सब कथा से जात रहा हमारे तो तारीख क्या जरिए तीनों बाबू के गाड़ी से सर न्याय नहीं मिल तू गोली मार दल के के रहे मारे वाला लखन सौ जेल में छे अगर बेटा रहे जमा रहे भैया रहे भतीजा रहे अंधाधुन गोली चलवा लगल क्या आदमी को गोली लगल तीनों बाबू चला ले दोनों भाई छे तो भतीजा छे तोर की नाम बेले की नाम बेला मोर नाम जोगिंदर साह अभी जो जख्मी है वो उनका नाम महेंद्र शाह है, एक उनका लड़का ललन शाह, उनका भाई जोगिंदर शाह है। आज ये लोग कोर्ट से तारीख पे आए हुए थे, तारीख देकर के वापस आ रहे थे। इनका पूर्व से जिनसे विवाद चल रहा था इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उन्हीं के द्वारा जो है तीनों की पहचान ये लोग कर दिए। हाँ ये लोग नाम भी बता रहे हैं अभी, क्योंकि जख्मी हालत में है इसलिए अभी पूर्णतः उनसे पूछताछ नहीं हो पाई। कैसी स्थिति है सर? कहाँ गोली लगी है ये घटना कहाँ हुई? घटना पिपरा थाना अंतर्गत कटिया के और थुमा के बीच।